नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से हम शुरू करने वाले हैं भूगोल की क्लासेस। पहले हम राजस्थान भूगोल की क्लासेस करेंगे, उसके बाद भारत और विश्व भूगोल की क्लासेस भी जल्दी ही आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। आज देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा बिल्कुल बेसिक टॉपिक रहेगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अगर आप अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझ पाएंगे, उसके बाद ही भारत विश्व या राजस्थान भूगोल में आपको जो भी तरह तरह की रेखाएं, अक्षांश और देशांतर जो बार बार प्रयोग में आते हैं, उनके प्रयोग को समझने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है और खींची क्यों गई, थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में भी बात करना उचित रहेगा। देखिए, ग्लोब या मानचित्र पर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, पहली बात क्या, अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों कैसी हैं, काल्पनिक हैं। ठीक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप घर के बाहर निकले और के देखो वहां से वो कर्क रेखा जा रही है, ऐसे आपको नहीं दिखेगा। ये ग्लोब या मानचित्र के ऊपर ही खींची गई। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक है। अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं क्षैतिज, आडी कह सकते हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी खींची गई हैं, क्षैतिज रूप से। और देशांतर रेखाएं कैसी खींची गई हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से, यानी कि खड़ी। देशांतर रेखाएं कैसी खींची गई हैं, खड़ी, ये देशांतर। अब बात करें कि ऐसा खींचने का, ग्रिड खींचने का जरूरत पड़ा क्यों। तो दोस्तों, एक वर्ष है 1453, ये वर्ष विश्व इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वर्ष जो है कुस्तुनतुनिया, वर्तमान में इस जगह का नाम है अंकारा, तुर्की देश में है, इस्तांबुल नाम है इसका वर्तमान में, अंकारा तुर्की की राजधानी है। इस्तांबुल का पहले नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल या कुस्तुनतुनिया। ये शहर बहुत पुराने समय से जो है प्राचीन जो रोमन एम्पायर था उसके कब्जे में था, परंतु 1453 में इस पर उस्मानी साम्राज्य का कब्जा हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये कुस्तुनतुनिया जो है जब ओटोमन साम्राज्य या उस्मानी साम्राज्य के कब्जे में चला गया, तो एशिया और यूरोप के मध्य रेशम मार्ग से होने वाला जो व्यापार था वो अब थोड़ा अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध इसलिए हो गया कि ये जो जंक्शन था कुस्तुनतुनिया, वहां पे एशिया से आने वाले व्यापारी अपना सामान यूरोपीय व्यापारियों को देते थे, यूरोपीय व्यापारी भी अपना सामान इनको देते थे, और फिर दोनों वापस अपने अपने रास्ते पर निकल जाते। परंतु अब जब कुस्तुनतुनिया के ऊपर उस्मानियों का कब्जा हो गया, तो यूरोपीय व्यापारियों को बड़ी दिक्कत हुई। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व यूरोप के अंदर अब एक नया समुद्री मार्ग ढूंढने का प्रतियोगिता शुरू हो गई, जिससे वो समुद्री मार्ग के रास्ते एशिया और भारत तक जा सके। लगभग लगभग सारी बड़ी यूरोपीय शक्तियों ने इसका प्रयास शुरू कर दिया। पुर्तगाल, फ्रांस, डच, ब्रिटेन, ये सभी इस दौड़ में लगे हुए थे। इस दौड़ में आपको अगर मैं एक वर्ष याद दिलाऊं, 1492, तो इस वर्ष प्रसिद्ध यात्री कोलंबस जो इटली का था वो अमेरिका को ढूंढने में सफल हुआ। हालांकि कोलंबस भी जो है वो भारत को ढूंढने के लिए निकला था। भारत तक पहुंचने का मार्ग जो सक्सेसफुली ढूंढा, वो ढूंढा वास्को डिगामा ने। 1498 में वास्को डिगामा भारत तक पहुंच गया। उसके बाद जब वो वापस यूरोप पहुंचा, तो ऑब्वियसली बात है कि उसे ये बताना था कि समुद्र के मार्ग में मैं कैसे कैसे गया था। तो वहीं से डेवलपमेंट हुआ अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। तो पहले मैं बात करूंगा अक्षांश कैसे खींचे गए। आपने बचपन के अंदर ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया होगा, ज्योमेट्री बॉक्स आता था, उसके अंदर एक आता था चांदा, जिसको लेके आप कोण बनाते थे, है ना। चांदे की खासियत क्या थी, चांदे में एक जगह यहां पर 0 डिग्री, यहां पर भी 0 डिग्री, बीच में एक मध्य बिंदु होता था, उस पर ऐसी लाइन खींची हुई होती थी और यहां लिखा होता था 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री का एक ही बिंदु था, 0 से लेके 89 तक आपको यहां भी मिलते थे, 0 से लेके 89 तक आपको यहां पर भी मिलते थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस चांदे को ऐसे कैसे लेकर आप समझिए पृथ्वी के ऊपर रखा। अगर मैं इसको अर्ध गोले को एक चांदा मान लूं, तो ये पृथ्वी का मध्य बिंदु हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे 30 डिग्री का कोण खींचना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से गिनना शुरू करूंगा, ये आया मान लीजिए 30 डिग्री। ऐसे कैसे मैं यहां से भी गिनना शुरू करूंगा, तो देखो ये आया 30 डिग्री। अब इन दोनों लाइनों को मैंने मिला दिया, तो ये 30 डिग्री अक्षांश आपका तैयार हो गया। ऐसे कैसे मैं कहूं कि यार 45 डिग्री का अक्षांश खींचना है, तो 0 से यहां पर मैंने 45 डिग्री का एक कोण खींचा। ऐसे कैसे 0 से लेके 45 डिग्री का मैंने यहां पर एक कोण खींचा, दो बिंदु मिल गए, तो ये बना दिया मैंने 45 डिग्री अक्षांश। तो इस तरह से खींची गई क्या अक्षांश रेखाएं। तो वास्तव में अक्षांश रेखाएं क्या है,
ये पृथ्वी के केंद्र से बनाए जाने वाले कोण है, इस वजह से इनके पीछे डिग्री का प्रयोग होता है। भाई आप अक्षांश रेखा बोल रहे हो और फिर कह रहे हो 0 डिग्री 45 डिग्री, पर डिग्री तो कोण में प्रयोग में लिया जाता है ना। तो वास्तव में क्या है, अक्षांश रेखा है, पृथ्वी के केंद्र से खींचे जाने वाले कोण है। तो अब देखिए, अगर मैं 0 से शुरू करता हूं तो आखिरी अक्षांश मुझे कितना मिलेगा, 90। ऐसे कैसे, यहां से शुरू करके नीचे भी जाऊंगा तो आखिरी अक्षांश मुझे कितना मिलेगा, 90। अब इनको गिन के देखो एक बार, 0 के बाद क्या आता है, 1। 1 से लेके 90 तक कुल कितनी संख्याएं होती है, 90। ऐसे कैसे, यहां से शुरू करो 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कुल कितनी संख्या हो गई, 90। 90 और 90 कितने होते हैं, 180। ठीक है, आपने 0 डिग्री को तो गिना ही नहीं, क्यों, 1 से शुरू किया था, पर 0 डिग्री भी एक अक्षांश है, तो इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़ा तो कितना आ गया, 181। तो अक्षांशों की संख्या कितनी हुई, 181। याद रखिएगा इस बात को। दूसरी बात देखिए, अब ये 0 डिग्री से लेके जब आप 90 डिग्री की तरफ देखेंगे तो 90 डिग्री जो है ये वो अक्षांश है जो साल भर सूर्य के सामने तिरछा रहता है, यानी कि सूर्य की किरणें साल भर 90 डिग्री पर तिरछी पड़ती, यही कारण है कि साल भर ये प्रदेश जो है जमा हुआ रहता है, यहां पर बर्फ जमी हुई रहती। साथ ही साथ क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी चुंबक की शक्ति है और पृथ्वी का जो ये 90 डिग्री और उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है ये एक चुंबक के ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, इसलिए अपन इसे 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। बात समझ रहे हैं कि 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, क्या इनको ध्रुव क्यों बोला अपन ने, क्योंकि ये भी चुंबक की जो शक्ति है, चुंबकीय ध्रुव जो है उनके हिसाब से ये भी अपनी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, अपनी विशेषताएं दिखाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर देखिए कुछ और महत्वपूर्ण हमारे पास जो है वो अक्षांश और देशांतर है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक अक्षांश है 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री क्या करता है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, इसलिए अपन इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य, क्योंकि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ऐसे कैसे, अपने पास क्या है, ये 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। साथ ही साथ ये 2 रेखाएं भी आप याद करिए, कौन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 2 रेखाएं आप और याद रखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिनको अपन क्या कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कर्क और मकर रेखा की अपनी कुछ खासियत है, वो अभी मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं इनकी खासियत क्या है। आगे बढ़े दोस्तों, देखो जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, इसको थोड़ा आप और डिजिटली समझिए, ये 2 अपने पास पिक्चर्स हैं, इसमें जैसे कि मैंने अभी बात करी थी 0 डिग्री की, तो ये तो हमारी क्या हो गई, भूमध्य रेखा। फिर मैंने आपसे बात करी थी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव। मैंने आपसे बात करी थी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो देखिए आप इसमें ये है अपना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, कर्क रेखा। और फिर अपने पास एक और क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको अपन ने क्या किया, नाम दिया मकर रेखा। अब देखो यार, कर्क और मकर रेखा काम की क्यों है, क्या होता है, पृथ्वी है ना, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है एक अंडाकार पथ के अंदर। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये अपनी पृथ्वी, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है 365 दिन, यानी कि 1 साल के अंदर। अब इस समय क्या होता है कि लगातार आप देखिए तो पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सामने बदल रही है, जैसे कभी उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी के बिल्कुल सामने आ रहा है, कभी दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी के बिल्कुल सामने आ रहा है, यानी लगातार सूर्य की जो
स्थिति है वो पृथ्वी के ऊपर लगातार किरणों की बदलती रहती है, परंतु कर्क और मकर रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र है, यहां पर सूर्य की किरणें जो हैं वो साल भर सीधी पड़ती हैं, साल भर सूर्य की किरणें यहां पर एक ही गति से पड़ती है, यानी कि यहां पर साल भर गर्मी रहती है। तो कर्क और मकर रेखा हमारे लिए क्यों काम की है? क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच में साल भर उष्णता बनी रहती है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। तो अगर आपको कर्क और मकर रेखा के बीच के देश पता है, या आपको यह पता है कि कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, तो आप उस जगह पर सूर्य की किरणों की स्थिति बता सकते हैं। इसीलिए आपको बार बार कर्क रेखा पढ़ाई जाती है, आपको बार बार बोला जाता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उन 8 राज्यों के नाम आपसे याद करवाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है, आपको वहां पे याद करवाया जाता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। आपको ये बोला जाता है कि ये कर्क रेखा जो है इसकी कारण सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा सीधी बांसवाड़ा पर पड़ती है और सबसे ज्यादा तिरछी जो है वो गंगानगर पर पड़ती है। ठीक है, तो ये कारण है कि हम कर्क और मकर रेखा को पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पृथ्वी कुछ इस तरीके से दिखती है। हमने भले ही इस तरह से लाइनें खींच दी हैं, पर पृथ्वी के ऊपर ये अक्षांश जो है इस तरह से गोल खींचे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये इस तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री और ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ये आप वैसे कोई ज्यादा इसमें काम का नहीं, आप अगर लाइन खींच के भी समझना चाहे तो आराम से समझ सकते। आगे देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बातें बोली उसका ये सामने आपके सामने एक सॉफ्ट कॉपी है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। हमने क्या क्या बात करी? ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। इनकी कुल संख्या कितनी? 181 डिग्री, अभी अपन ने इसकी बात करी। उसके बाद 0 डिग्री अक्षांश ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया? भूमध्य रेखा नाम दिया। उसके बाद 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन ने क्या नाम दिया था? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि इसमें क्या होता है, चुंबकीय तत्व होता है, पृथ्वी एक बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसलिए ध्रुव नाम दे दिया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन क्या कहते हैं? मकर रेखा, अभी हमने बात करी। और फाइनली 2 अक्षांशों के बीच की दूरी पृथ्वी पर सभी जगह समान है, कितनी? 111 किलोमीटर। ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी 2 अक्षांश है, जैसे 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ऐसे ऐसे आप एक एक का ऐड करते जाइए, प्लस करते जाइए, तो हर अक्षांश के बीच में कितनी दूरी आपको मिलेगी? 111 किलोमीटर। ये बराबर है भाई, क्योंकि डिग्री बराबर है तो दूरी भी बराबर होगी ना, एक एक डिग्री का बदलाव आ रहा है तो दूरी भी बराबर बदलाव आएगी। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी पृथ्वी पर सभी जगह समान रहती, कितना रहता है? 111 किलोमीटर, कई बार पूछा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप अक्षांश रेखाओं को जब भी पढ़ें तो ठीक है, अभी अक्षांश रेखाओं का आपने इतिहास जाना, कैसे खींचा, इनको खींचने की टेक्निक क्या है, वो सब आपकी जानकारी के लिए है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। देखिए, देशांतर रेखाओं को अगर आपको समझना है तो ग्लोब से ज्यादा देशांतर रेखाएं अपन को अच्छी समझ में आएंगी मानचित्र पे। ग्लोब और मानचित्र में तो शायद आप फर्क समझते हैं भाई, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का 3D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, पर अपन को अध्ययन की दृष्टि से क्या एक पेपर के ऊपर चाहिए, तो अपन क्या करते हैं उसको ऐसे फैला देते हैं, है ना। अब देशांतर रेखा इन्होंने कैसे खींची, आप देखो, अगेन वही वाली बात, एक एक डिग्री के टुकड़े करने, जैसे अभी वहां पर किए थे ना एक एक डिग्री के टुकड़े, वैसे ही यहां पर करने। जैसे मान लीजिए कि ये गोला है, एक वृत्त है, आपको इसके एक एक डिग्री के टुकड़े करने का मैं कह दूं तो कैसे करोगे? देखो, यहां से शुरू करोगे आप 0 डिग्री, 1 2 3 करते 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 आप यहां पहुंचोगे, टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे, कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री। फिर आप आगे चलोगे करते 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 91 92 करते लास्ट में आओगे, तो लास्ट यहां पे कितना आएगा? 180 डिग्री। ऐसे करते करते आप आगे चलोगे आगे चलोगे आगे चलोगे यहां आओगे तो कितना हो जाएगा? 270। और वापस यहां से घूमते हुए आप यहां पर आ जाओगे तो ये फाइनल कितने टुकड़े हो जाएंगे? 360। इसका मतलब क्या हुआ? किसी वृत्त को एक एक डिग्री के आप कुल कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हो? 360 टुकड़ों में तोड़ सकते हो। यही किया गया है देशांतर रेखाओं में। इन्होंने क्या किया, पूरी पृथ्वी को एक एक डिग्री के 360 टुकड़ों में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? सबसे पहले इन्होंने मानचित्र के बीचों बीच एक लाइन खींची, जिसको इन्होंने बोला क्या? 0 डिग्री।
अब ये जीरो डिग्री के टुकड़े करते करते आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े और लास्ट जो लाइन इन्होंने खींची वो खींची 180 डिग्री की। क्यों खींची? देखो अगर जीरो से लेके मैं 1 2 3 4 करते करते 360 तक जाऊंगा तो जीरो और 360 तो एक ही लाइन हो जाएगी, इससे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, 180 और 180 दो ग्रुप बना लिए, 180 का एक ग्रुप 180 का एक ग्रुप। तो इन्होंने क्या किया, एक से शुरू करा और लास्ट अक्षांश इनके पास कौन सा आया, 180 डिग्री। ऐसे कैसे, यहां से भी इन्होंने एक डिग्री से शुरू किया और लास्ट कितना आया, 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री इधर भी आ रहा है, 180 डिग्री भी इधर भी आ रहा है, बट वास्तव में तो क्या है, 180 डिग्री एक उभयनिष्ठ रेखा है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे एक मानचित्र की तरह तो नहीं है। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी तो गोल है। अगर इस पेपर को मान लीजिए एक पेपर है और मुझे इसको वापस एक गोल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके ये दोनों कोने जो है एक दूसरे के ऊपर लेके आ जाऊंगा, तो 180 डिग्री कैसी रेखा हो जाएगी, एक उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगी। अब जैसे आपने पिछले वाले में किया था 90 180 प्लस 0 डिग्री वाला एक अक्षांश जोड़ के आपने बताया था कि साहब 181 हो गया, वो जोड़ यहां भी लगाओ, आता है क्या, जोड़ लगा के देखो, 1 डिग्री से अगर मैं शुरू करूं और 180 से जस्ट पहले कितना डिग्री आएगा, 179, तो 1 से 179 तक कितनी संख्याएं होंगी, 179 संख्याएं होंगी। अब यहां पे भी 1 से शुरू करो और 180 से पहले क्या आएगा, 179, तो 1 से 179 तक कितनी संख्याएं होंगी, 179। इसको जोड़ो दोनों संख्याओं को तो आएगा 358, कितना 358। 0 डिग्री भी तो एक अक्षांश है, उसको तो आपने जोड़ा ही नहीं क्योंकि आपने तो 1 से शुरू किया था, 1 इसका भी जोड़ो, फिर 179 तक ही आपने जोड़ा, पर 180 डिग्री भी तो एक अक्षांश है, इसको तो आपने जोड़ा ही नहीं, इसको भी जोड़ो, तो टोटल कितना आएगा, 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 360। तो याद रखेंगे अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांशों की संख्या है 181, देशांतर की संख्या कितनी है, देशांतर की संख्या है 360। आगे बढ़ते हैं, जो चित्र अभी मैंने पीछे बनाया था उसका थोड़ा सा डिजिटल फॉर्म है ये, देशांतर रेखाएं कुछ इस तरीके से खींची गई है, अगर आपको वहां पे समझ में नहीं आ रहा था तो आप यहां देख सकते हैं, ये वाला खींचा गया है आपका 0 डिग्री, ये वाला खींचा गया आपका क्या 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से ये चले ऐसे, ठीक है, देखो आप 30 60 90 120 150 और लास्ट में जस्ट पीछे 0 डिग्री के कौन आ गया, 180। ठीक है, अब ये इस तरफ से था, इस तरफ से भी चले 30 60 90 120 150, तो वापस चलते चलते कितना आ गया, ये 180। तो आप देखो 0 डिग्री और 180 डिग्री तो उभयनिष्ठ रेखाएं हो गई और बाकी सारे इस तरीके से हो गए। अब बात करो ये मानचित्र है, इसमें थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये वाली जो रेखा है बिल्कुल ये है आपके 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के इस तरफ आप जाओगे तो ये सारे जो भी देशांतर रेखाएं हैं इनको कहा जाता है पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री के दाई तरफ वाले देशांतर क्या कहलाते हैं, पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री के बाई तरफ वाले देशांतर क्या कहलाते हैं, पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं, जब हम कहते हैं ना कि ये पूर्वी देश है, कई बार हम कहते हैं ये पश्चिमी देश है, ठीक है, तो आप देखो पश्चिमी देश यानी 0 डिग्री के इस तरफ, पूर्वी देश यानी 0 डिग्री के इस तरफ। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन रेखाओं के नामकरण की। देखो देशांतर रेखाओं का जो एक प्रयोग होता है वो होता है समय के मापन के लिए, और ये समय का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है इस 0 डिग्री रेखा को ही मानक मान के, स्टैंडर्ड मान के। इस वजह से आप अगर कभी भी पूछे आपसे कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कौन सी है, तो आप बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर है। ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा गुजरती कहां से, ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा लंदन के पास में एक छोटा सा कस्बा है ग्रीनविच, वहां से गुजरती। लंदन आप जानते ही होंगे इंग्लैंड की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन के पास में एक छोटा कस्बा है ग्रीनविच, क्योंकि ये वहां से गुजरती है इसीलिए 0 डिग्री देशांतर को अपन और क्या नाम दे देते हैं, ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर का और नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच रेखा से क्योंकि समय का मापन किया जाता है इसीलिए इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ग्लोबल मीन टाइम या ग्लोबल मेरिडियन टाइम, GMT भी कहा जाता है। अभी अपन इसकी बात करेंगे, GMT और IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, इनका क्या संबंध है, अभी बात करते हैं।
तो पहले तो आप समझिए कि 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा गया है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। ऐसे कैसे? अब आप देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये 180 डिग्री यहां पर भी और 180 डिग्री यहां पर भी। वास्तव में क्या है, 180 डिग्री एक उभयनिष्ठ रेखा है क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, यानी कि आप यहां से चलेंगे तो भी 180 डिग्री आ जाएगा और यहां से चलेंगे तो भी 180 डिग्री आ जाएगा, यानी ये दो रेखाएं नहीं है, ये एक ही उभयनिष्ठ रेखा है। ये रेखा जो है ये गुजरती है, आप देखिए ये अमेरिका का एक प्रांत है अलास्का, कौन सा, अलास्का, और यहां पर आप देखिए तो रूस का एक प्रांत है साइबेरिया, दोनों ही ठंडे प्रदेश है अलास्का और साइबेरिया। अलास्का और साइबेरिया को अलग करती है कौन सी रेखा, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा। इससे एक नाम और दिया गया है, 180 डिग्री देशांतर को हमने नाम दिया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या नाम दिया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये रेखा कहां से गुजरती है, अलास्का और साइबेरिया के बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरती है। इसका एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी जल संधि से होकर गुजरती है। जल संधियां क्या होती है, भूमि के दो टुकड़ों को अलग करती है और जल की राशियों को आपस में जोड़ती है, एक नहर की तरह है ना। तो अलास्का और साइबेरिया को जो अलग करती है जल संधि, उस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है, बेरिंग जल संधि। तो 180 डिग्री देशांतर कौन सी जल संधि से गुजरता है, बेरिंग जल संधि से, याद रखेंगे। तो देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो सामने आपके लिखा हुआ है डिजिटली, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींची गई ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर समझते हैं ना, ये खड़ी ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं हैं, वो क्या कहलाती हैं, देशांतर। कुल संख्या बिल्कुल आपको समझ में आया कितना, 360 डिग्री। फिर 0 डिग्री देशांतर जो अपन ने खींचा था जीएमटी, मानचित्र को दो बराबर भागों में बांटता है, उसका जो राइट हैंड वाला यानी दाई तरफ वाला भाग था वो पूर्वी भाग था और लेफ्ट हैंड यानी बाई तरफ वाला जो भाग था पश्चिमी भाग था। 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरता है, ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरता है ना, जो कि लंदन के पास से है, इसलिए इसको अपन ने क्या नाम दे दिया था, ग्रीनविच रेखा। फिर क्योंकि हम इससे अंतरराष्ट्रीय मानक समय का डिसीजन लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय डिसाइड करते हैं, इसलिए इसको अपन ने क्या कह दिया, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कह दिया। फिर 180 डिग्री देशांतर कौन सी जल संधि से गुजरता है, बेरिंग जल संधि से गुजरता है, इसीलिए इसे अपन अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा भी कहते हैं। जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है पता ही नहीं चलता है लोगों को, कौन सी जल संधि से होकर गुजरता है, बेरिंग जल संधि से। विश्व भूगोल जब मैं पढ़ाऊंगा तो जल संधि और नहरों के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, फिलहाल आप इस पॉइंट को याद रख लीजिए, कौन सा, बेरिंग जल संधि। आगे बढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपको एक जिक्र किया था कि देशांतर रेखाओं का जो प्रयोग किया जाता है वो समय के मापन में किया जाता है। अब देखो अभी अपन ने एक चित्र बनाया, मान लीजिए पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर काटती है इस तरीके से, एक अंडाकार पथ के अंदर सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर काटती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है, मतलब अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन, और यह सूर्य के चारों तरफ घूमना यह क्या कहलाता है, परिभ्रमण। क्या कहलाता है, परिभ्रमण, बात समझ रहे। तो यह जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है पृथ्वी, एक साल इसमें टोटल कितने दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं, इससे तो पृथ्वी पर ऋतुएं बनती हैं, सर्दी गर्मी बरसात, यह सब किस कारण से होता है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के घूमने से। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रही है इससे क्या बनते हैं, दिन और रात। ये सूर्योदय होना और सूर्यास्त होना ये सब किस कारण से संभव है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, ठीक है। तो अब देखिए जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है जिससे दिन और रात बन रहे हैं, यानी आपको कभी सूर्य दिखाई दे रहा है कभी सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्राचीन काल से ही सूर्य की स्थिति का अंदाजा लगाकर हमने घड़ियां बनाई हैं, सौर घड़ी जिन्हें आप कहते थे, जिनके हिसाब से हम समय क्या हो रहा है, अभी दिन का कौन सा प्रहर चल रहा है, कितने बजे हैं, हम ये अंदाजा लगा लेते थे। आज भी हम उसी कंसेप्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा बट डिजिटल हो गया। यहां पर हम देशांतर रेखाओं के हिसाब से
हम समय का मापन करते हैं? देखो कैसे करते हैं। देखो अगर मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना शुरू कर दे, यानी कि मान लीजिए पृथ्वी ये 0 डिग्री से ये घूमना शुरू करा, ऐसे ये घूमते 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 वापस अपने उसी पोजीशन पर आ गई, तो कितने डिग्री का चक्कर पूरा करा? मान लीजिए मैं ऐसे घूमना शुरू करूं और जहां से शुरू किया था वापस उसी स्थान पर आ गया, तो ये कितने डिग्री का चक्कर हुआ? 360 डिग्री का चक्कर। बात समझ रहे? तो पृथ्वी को ये ऐसा एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लगता है? पृथ्वी को ऐसा 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। तो एक घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमेगी? 360/24। आप जब इसको काट के देखेंगे तो ये आएगा 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री। यानी एक घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूम गई? 15 डिग्री। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, कैसे कि साहब 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा था? एक घंटा। और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 60 मिनट के अंदर मैं 15 का भाग लगा दूं, कितने आएंगे? ये 4 मिनट आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अगर आपको इन केस 24 घंटे 360 वगैरह ये बात समझ में नहीं आई है, तो एक रामबाण याद रखो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। मेरे ख्याल से ये तो आप याद रख ही सकते हो, यही मेन बात है, इसी से सारी कैलकुलेशन होगी। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि मान लीजिए कि अभी 1 डिग्री अक्षांश सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो 4 मिनट बाद 2 डिग्री आ जाएगा, उसके 4 मिनट बाद 3 डिग्री आ जाएगा, उसके 4 मिनट बाद 4 डिग्री आ जाएगा, उसके 4 मिनट बाद 5 डिग्री आ जाएगा। एक एक डिग्री का जो है वो आगे आगे चलता रहेगा। अब इसका 1 डिग्री का वापस नंबर कब आएगा? जब वो सूर्य के सामने से गुजर गया है 24 घंटे के बाद में, यानी कि जब 1 दिन पूरा हो जाएगा। इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय और किसी स्थान के समय का डिसीजन लेना शुरू किया। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले तो आप ये सारी चीजें अब याद रखिए, क्या क्या अभी जो हमने बात करी कि देशांतर रेखाओं का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? समय के मापन के लिए किया जाता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। 82.5 पूर्वी देशांतर जो है उसे अपन क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। अभी इसकी बात करते हैं अपन, जो कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूं, आप भी इसकी कोशिश करना, ये अपने कुछ क्वेश्चन है, अभी इनको अपन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो पूछते हैं कि अभी लंदन में 10 बज रहे हैं सुबह के, तो बताओ नई दिल्ली में जयपुर में कितने बज रहे होंगे। इस पर अक्षांश और देशांतर में से सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, तो मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि ये होता कैसे। देखो मान लो कि ये अपना मानचित्र है, ये अपनी 0 डिग्री रेखा है, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ठीक है, भारत देश यहां पर है, ये भारत अपना यहां पर है। ठीक है, अभी अपनी बात क्या हुई, 1 डिग्री घूमने में टाइम कितना लगता है? 4 मिनट का लगता है। अब देखो कहीं का भी किसी भी चीज को नापना है ना, तो अपन को पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि दिल्ली कितना दूर है, तो कहां से? मेरे घर से, आपके घर से, जयपुर से, मुंबई से, अपन को एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो अगर मैं समय का भी मापन कर रहा हूं तो मेरे को एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, और वो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पे ये 0 डिग्री। पूरे विश्व का समय 0 डिग्री के अकॉर्डिंग नापते हैं, इसीलिए 0 डिग्री को हमने क्या बोला, 0 डिग्री को हमने बोला अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा या GMT। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, सारे देशों को बोल दिया कि तुम सब देश अपने अपने देश की एक देशांतर रेखा, या ज्यादा भी हो सकती है, अभी एक से शुरू करते हैं, अपने देश की किसी एक देशांतर रेखा को अपनी मानक समय रेखा बना लो, जिससे हम तुम्हारे देश का फिर मानक समय कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे। भारत ने क्या किया, अपने देश की मानक समय रेखा बनाई, कौन सी?
82 डिग्री पूर्वी देशांतर। भाई अपन पूर्व में है इसलिए पूर्वी देशांतर। अब ये 82 क्यों लिया, 82 ले लेते, 83 ले लेते। एक्चुअली 82 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती, इसीलिए अपन ने लिया 82। अब देखो, अब मान लो मैं 0 डिग्री पे खड़ा हूं और मुझे जाना है कहां पे, 82 पे। 1 डिग्री चलने में मुझे कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। और मुझे कहां तक पहुंचना है, 0 से पहुंचना है 82 तक। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82 डिग्री में टोटल कितने मिनट लगेंगे, 82 को 4 से गुणा कर ले, ये आ जाएंगे तुम्हारे 328 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो आधे डिग्री में कितने लगते हैं, आधे डिग्री में 2 मिनट लगेंगे, तो 2 मिनट जोड़ो कितने आ गए, 330 मिनट। ये मिनट है, घंटे में बदलना पड़ेगा, तो क्या करें, 60 का भाग दे दो। ये 60 का भाग दे दिया, 6 × 5 = 30, 5 घंटे और पीछे कितने बच जाएंगे, 30 मिनट। तो 5 घंटे 30 मिनट, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 5.5 घंटे। यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय और भारतीय मानक समय में कितने घंटों का फर्क है, 5.5 घंटों का फर्क। बात समझ रहे, यानी कि अगर सूर्य की किरणें 82 पर पड़ेंगी तो उसके 5.5 घंटे बाद वो सूर्य की किरणें किसके ऊपर पड़ेगी, 0 डिग्री के ऊपर पड़ेगी। अब बात आती है कि सूर्य की किरणें पहले किस पे पड़ेंगी, पहले 82 पे पड़ेंगी या 0 पे पड़ेंगी। तो इसके लिए अपन को पता होना चाहिए कि पृथ्वी का घूर्णन कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में। तो एक फैक्ट और याद रखिए आप, पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। कहां से कहां पर है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये पश्चिम दिशा थी, ये पूर्व दिशा थी, ये पश्चिम से पूर्व। इसीलिए आप देखिए सूर्य हमेशा कहां उदय होता है, सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है। आप देखिए पश्चिम से पूर्व अगर घूमेंगे तो आप देखो पूर्व से आपको सूर्य उदय होता हुआ दिखता है, आपके ऊपर से सूर्य निकलता है और कहां जाके अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होता है। इसलिए पृथ्वी का घूर्णन कौन सी दिशा में है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। तो हम किस दिशा में है, हम पूर्व दिशा में। इसका मतलब सूर्य की किरणें सबसे पहले किधर पड़ेंगी, सूर्य की किरणें सबसे पहले हमारे ऊपर पड़ेंगी, उसके बाद सूर्य की किरणें कहां पड़ेंगी, 0 डिग्री पे पड़ेंगी। इसका मतलब हमारा समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से क्या होगा, आगे चलेगा। सूर्योदय पहले कहां होगा, हमारे यहां पे होगा। और कितना घंटे पहले होगा, ये रहा 5.5 घंटे पहले होगा। इसीलिए आप जब कभी भी अपने फोन में टाइमिंग सेट करते हो ना, तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई आती है, कभी आपने ध्यान दिया हो, +5:30 GMT ऐसे लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है, जीएमटी से 5.5 घंटे प्लस में, मतलब जीएमटी से 5.5 घंटे आगे। तो आप याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए, हमारा समय भारत का समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय कौन सा है, 0 डिग्री देशांतर है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्रीनविच मानक समय कहते हैं। या फिर आप एक और सिंपल तरीका बताऊं, आप याद रखो लंदन का समय, अंग्रेजों का समय, अपन उनसे क्या है, आगे हैं। अंग्रेजों से हम पहले भी आगे थे, हम आज भी आगे हैं, हमेशा आगे रहेंगे, ठीक है। बाकी सब में भी आगे हैं, समय में भी आगे हैं। समय में कितना आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है ऐसे, जैसे मैंने दो टेबल बनाई है, एक में लिखा है लंदन का समय, एक में लिखा है भारत का समय। पहले पे ध्यान दो, लंदन में अभी कितने बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं। हमारा समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कैसा है, हमेशा आगे। यानी हमारे यहां तो 5 कब के बज चुके हैं, भाई लंदन में तो अभी 5 बजे ना, पर हमारे यहां तो 5 बज चुके हैं। इसका मतलब है अगर मुझे भारत में अभी क्या समय है वो पता करना है, तो लंदन के समय में 5.5 जोड़ने पड़ेंगे, जोड़ो कितना आएगा, 10:30 आ जाएंगे। एम के पीएम, भाई ये पीएम था, शाम के 5 बज रहे हैं, शाम के 5 में 5.5 घंटे जोड़ोगे तो क्या बजेंगे, रात के 10:30 बजेंगे, वो भी तो पीएम ही। थोड़ा सा उल्टा करें, भारत में अभी समय हो रहा है क्या, 11:30 AM, यानी सुबह के 11:30 बजे, और हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय से आगे हैं।
यानी कि अभी लंदन में 11:30 बजे नहीं होंगे, अभी टाइम है वहां पे कितना कि वो हमसे 5.5 घंटे पीछे, तो 11:30 में से 5.5 घटा के देखो कितना आता है, एक बार आप घटाइए तो मेरे हिसाब से ये सुबह के 6 नहीं आ जाएंगे कि भाई अभी वहां पे सुबह के 6 बजे हैं और हम वहां से 5.5 घंटे आगे हैं, तो हमारे यहां पर अभी कितने बजे हैं, 11:30। एक और क्वेश्चन करके देखें, लंदन में अभी बज रहे हैं सुबह के 10, लंदन में अभी कितने बज रहे हैं सुबह के 10, तो भारत में क्या समय होगा, एक ही लाइन दिमाग में रखो, हमारा समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से आगे है, हम यूरोपीय लोगों से आगे चलते हैं, इनके यहां पे तो अभी 10 बजे हैं, हमारे यहां तो 10 बज चुके हैं, 5.5 जोड़ दो इसमें कितना, 10 में अगर सुबह के 10 में आप 5.5 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 3.5। अब हाँ सुबह के 10:30 है, अब अपन ने पार कर लिया समय, दिन का समय पार कर लिया, तो दिन 12 बजते ही दिन के पार होते ही क्या लग जाता है, पीएम लग जाता है। भारत में बज रहे हैं रात के 10:30, ये लोग हमसे पीछे हैं, 5.5 घटा दो तो यहां पर अभी कितने बजेंगे, अगर 10:30 में से आप घटा दोगे तो दिन के यहां पर 5 बज रहे होंगे, 5 PM। और फाइनली ये लंदन में अभी सुबह के 2:30 बज रहे हैं, ठीक है, ये हमसे पीछे हैं, यानी हमारे यहां तो 2:30 बज चुके हैं, लंदन का समय दिया है, भारत का समय जोड़ पूछ रहे हैं, 5.5 घंटे जोड़ दीजिए, जैसे इसमें आप 0.5 घंटा जोड़ोगे 3, और फिर 5 घंटे और जोड़ दो 8, तो हमारे यहां पे अभी कितने बज रहे होंगे, सुबह के 8 बज रहे होंगे। तो दोस्तों ये है फाइनल क्वेश्चन, एक बार अपने हाथ से करना कोशिश करना, ये समय वाले क्वेश्चन है, मैं इसका लास्ट एक रामबाण बता देता हूं आपको कि इसको आप करेक्ट कैसे करोगे, आप इसको याद कैसे रखोगे, आपको इसमें सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी, 2 लाइनों से ये सवाल हो जाएगा। पहली लाइन तो है ये वाली कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। दूसरी लाइन, भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे, बस यहीं पे खत्म हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय दिया है अपन आगे हैं, उनका दिया है 5.5 घंटे जोड़ लीजिए, हमारा दिया है और उनका पूछा है तो 5.5 घंटे घटा लीजिए, बस हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जरूर याद रखना आप, पृथ्वी का घूर्णन अपने अक्ष पर कहां से कहां होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है, इसीलिए हमें सूर्य सबसे पहले कहां दिखता है, पूर्व में दिखता है, और सूर्य अस्त कहां होता है, पश्चिम में अस्त होता है। दोस्तों ये आज का हमारा लेक्चर था अक्षांश और देशांतर रेखाएं, नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी आ जाएगा जिसमें अपन 0 से राजस्थान भूगोल शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चंस वगैरह है आपको, कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट में डालो, मैं आपको जरूर रेस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू।